बदायूं में 3 दिन से चल रही तेज हवाओं और बारिश की वजह से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है और फसल खेतों में बिछ गई। बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने किसानों के चेहरे की रंगत ही उड़ा दी। जिले में तेज रफ्तार हवाओं से हुई बारिश से फसलों को करीब 60% नुकसान हुआ है। किसान भूदेव सिंह का कहना है, इस बारिश से धान की फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। धान जब गिर जाता है तो धान सूख जाता है, जिसमें चावल की मात्रा भी कम हो जाती है और नीचे दीमक का भी प्रकोप बढ़ जाता है। वहीं बिकेड़ी के जिलाध्यक्ष राकेश सक्सेना का कहना है कि इस बार धान की फसल जिले में बहुत अच्छी थी, लेकिन बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिस कारण इस बार किसानों को भारी मात्रा में आर्थिक हानि होने की संभावना है। अनुमानित नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है और धान के साथ साथ बाजरे और तमाम फसलों के लिए नुकसान है। जहाँ तक सवाल है, ये बेमौसम बरसात है। सितंबर में बरसात मानसून विदा हो जाती थी, वहीं अब तेज हवाएं भी चल रही हैं, इसके साथ साथ मानसून और तीव्र हो रही है और जो लगातार अनुमान मौसम विभाग बता रहा है, इससे हमें लगता है कि किसान पूरी तरीके से तबाही के रास्ते पर है। जहाँ एक तरफ सरकार ने डीजल और उसके रेट तय, बिजली के रेट बेताब बढ़ोतरी की है, वहीं पर इस तरीके से दोहरी मार से किसान मारा जाएगा और किसान के पास अब कुछ नहीं है। उसका मूलांक सूची से भी नहीं जोड़ा गया, उसके रेट भी बहुत कम तय किए गए। इससे मुझे लगता है किसान पूरी भुखमरी के कगार पर होगा।